हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सभी वीडियो की तरह ही आज भी इस वीडियो में आपको मैं टॉप 8 जीके क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पढ़ाई या फिर लिखाई में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूर चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर आगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 2012, बी 2013, सी 2014, डी 2017। आपका सही जवाब है सी 2014। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमित्र घाट की उपाधि दी थी? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन ए सेल्यूक्स निकेटर ने, बी अलेक्जेंडर ने, सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, डी बिंदुसार ने। आपका सही जवाब है डी बिंदुसार ने। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन ए 31, बी 16, सी 18, डी 10। आपका सही जवाब है ए 31। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल ने, बी ग्रैनविल ऑस्टिन ने, सी एमबी पाइली ने, डी के सी वेयर ने। आपका सही जवाब है बी। अगर दोस्तों आप भी अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी ऑल पे सेट ज़रूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन ए ये वन भारी हिमपात वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बी ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अति शुष्क मौसम है, ऑप्शन सी ये वन बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी ये सदाबहार वन होते हैं। आपका सही जवाब है बी, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अति शुष्क मौसम है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय और ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के जिले डैश में स्थित है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन ए करनाल, बी गुरुग्राम, सी हिसार, डी पानीपत। आपका सही जवाब है
बी गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, ऑप्शन ए बिहू, बी दसकथिया, सी कजरी, डी भूता। आपका सही जवाब है सी कजरी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने निदेशक सिद्धांतों को बैंक द्वारा दे चेक के रूप में वर्णित दिया जब बैंक के संसाधन अनुमति देते हैं। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, ऑप्शन ए सी डी देशमुख, बी ग्रैनविल ऑस्टिन, सी आइवर जेनिस्क, डी केटी शाह। आपका सही जवाब है डी केटी शाह। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर लिखना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेट ज़रूर कर देना, ताकि जैसे मेरे वीडियो 7 बजे अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर।